सच कहा है किसी ने, जीना है तो पियो। धुंध कैसी है देखो। जहाज कहीं मुझे चढ़ तो नहीं गई? कहाँ चला गया? भाई मैंने जो अपनी आंखों से देखा है वही बता रहा। भाई सच बताएं, हम में से ना किसी को भी आपकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। सच में यार, मतलब इतनी बड़ी शिप जो अचानक से दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है। प्लीज आई कांट बाय दिस। मैं अकेला ही नहीं, मेरे से पहले भी बहुत से लोगों ने उस जहाज को यहाँ देखा है। और कई लोग तो अपनी जान से हाथ धो बैठ चुके हैं। वो कैसे? सुना है उस जहाज पर एक सोने का खजाना छुपा हुआ है। इसी लालच में लोग उस जहाज तक जाते हैं और जो लौट कर वापस नहीं आते हैं। अच्छा, और इसके पीछे क्या राज है? वो भूत जो उस जहाज पर रहते हैं, जो सबको मार डालता है। भूत? इसकी कहानी में ना सच कम मिर्च मसाला ज्यादा लगता है। तो आज रात यहीं रुक जाओ और अपनी आंखों से देख लो कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो आपको लगता है कि आज रात को भी वो बड़ा सा जहाज यहाँ पर हमारे सामने धड़ाम से प्रकट हो जाएगा और उसके बाद धड़ाम से गायब भी हो जाएगा? वो जहाज हर पूर्णमासी की रात को यहाँ नजर आता है और आज पूर्णमासी की रात ही है। What a place, man! यार मेरा तो दिल कर रहा है कि आज रात को ना यहीं रुक जाते। उस जहाज का सच भी पता चल जाएगा और अगर किस्मत अच्छी रही तो अरबों खरबों का सोना भी हाथ लग जाएगा। यार सॉरी, पर मेरी मॉम घर पे अकेली है, सो आई हैव टू गो। और मैं तुम लोगों से भी कहूंगा कि मुझे मत समझा तू। हम लोगों का प्लान हम लोग खुद डिसाइड कर लेंगे, तू जा। ऑल द बेस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट। बाय बाय गाइस। बाय बाय बाय। सी यू। बाय बाय। चलो गाइस, अब मैं भी निकलती हूं। ओके, चलो प्रफुल्ल, मैं तुमको अपनी कार से ड्रॉप कर दूंगी। चलो बाय सानिया। बाय बाय। एक काम करो, अपने बॉयफ्रेंड को 4-5 चूड़ियां भी पहना दो, इट विल सूट हिम। व्हाट नॉनसेंस, तो क्या गलत बोल रहा हूं मैं? अबे मर्द के नाम पे ना कलंक है तू। पूरा दिन अपनी गर्लफ्रेंड की गाड़ी में बैठकर घूमते रहे और जब एडवेंचर का टाइम आता है तो फटके भागती है। धीरज, माइंड योर लैंग्वेज। भी बताता हूं इसे। अबे तू क्या बताएगा मुझे? अगर अपने आप को इतना ही बड़ा मर्द समझता है ना तो आज रात को यहाँ रुक के दिखा, जैसे मैं रुक रहा हूँ। वरना ना मर्द का ना मर्दी कहलाएगा तू, समझा? तू दिखाएगा साले। तू दिखाएगा मुझे। गॉड प्लीज स्टॉप। प्रफुल्ल ये तो भड़का रहा है, चल यहाँ से। मैं यही रुकूंगा। प्रफुल्ल तू समझ क्यों नहीं रहा है, ये तेरा दोस्त है, दुश्मन है। प्लीज गो। ओके, एज यू विश। बाय। गाइस अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मैं तो एंथनी के साथ आई थी। कोई नहीं, मैं छोड़ दूंगा कल तुम्हें अपने घर, पर आज रात को इस बीच पर रुकते हैं। वैसे भी इस सुनसान बीच पर आज बहुत कुछ होने वाला है। हाँ मैं भी देखता हूँ क्या होता है आज रात। अच्छा गाइस गाइस गाइस, सी देयर।
ओह माय गॉड, अबे ये तो वही जहाज है जिसमें खजाना है। पर धनराज ने कहा था कि जो भी शिप के पीछे जाएगा तो कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। लेट्स गो गाइस फ्रॉम हियर। अरे सानिया सुनो तो, अब हम यहाँ तक आए हैं तो सोना लेकर ही जाएंगे, फिर चाहे किसी की जाने क्यों ना चली जाए। सर इनको देख के लगता है ये सुसाइड केस। नहीं प्रभु, सुसाइड नहीं कर सकता, इसे इसे किसी ने जानबूझकर मारा है। किसने मारा इसे, आप जानती हैं? धीरज ने। क्या? मैं? तुम पागल हो गई हो, कुछ भी बोले जा रही हो। मैं सही बोल रही हूँ धीरज, तुम ही कातिल हो। अब मुझे समझ आ गया कि तुम रात को प्रफुल्ल को क्यों रोक रहे थे। अरे मैंने उसको रोका था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं उसकी जान लेना चाहता था। पागल हो गई हो तुम। तुमने ही जान ली है। इंस्पेक्टर अरेस्ट हिम। अरे छोड़ो मुझे यार, मैंने नहीं मारा किसी को। पाठक साहब, मैं जानता हूं मेरा बेटा थोड़ा नादान है, पर ये किसी का खून नहीं कर सकता। प्लीज आप इसे बचा लीजिए। ये सर्वप्रथम तो आपको इसे यहां लेकर नहीं आना चाहिए था। पुलिस खोज रही होगी इसे, जाइए इसे ले जाइए थाने, पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए। और हां वचन देता हूं मैं, आप अगर ये निर्दोष है तो इसे दंड भुगतने नहीं दूंगा। ठीक है पाठक साहब, हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। चलिए। हाँ धीरज बताओ, अब क्या हुआ था उस रात? सर बात बस इतनी है कि मैंने प्रफुल्ल की जान नहीं ली। पुलिस का तो कहना है कि तुमने मारा, तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? उस पायरेट के भूत ने मारा है सर। You must be joking। कैसा भूत, कौन सा भूत? वही गोस्ट शिप का पायरेट सर, जिसने प्रफुल्ल पर अटैक किया था और उसका बैलेंस आउट। शांत हो जाओ, देखो ये अदालत हमारी। गोस्ट शिप और पायरेट के भूत ऐसी कहानियां नहीं मानता। छोड़ो छोड़ो, प्रारंभ से बताओ उस रात क्या क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम मुझे बताओ। सर हुआ ये था कि मैंने एक पार्टी अरेंज की और हम लोग सब वहां गए। और फिर कुछ देर बाद अंकिता और एंथनी वहां से चले गए, सिर्फ मैं साने और प्रफुल वहां पर रह गए थे। और तभी गाइस 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 सी देयर। ओह माय गॉड, अबे ये तो वही जहाज है जिसमें खजाना है। लालच में लोग उस जहाज तक जाते हैं और जो लौट कर वापस नहीं आते हैं। अच्छा और इसके पीछे क्या राज है? वो भूत जो उस जहाज पर रहते हैं। पर धनराज ने कहा था कि जो भी शिप के पीछे जाएगा वो कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। लेट्स गो गाइस फ्रॉम हियर। अरे सानिया सुनो तो, अब हम यहाँ तक आए हैं तो सोना लेकर ही जाएंगे, फिर चाहे किसी की जाने क्यों ना चली जाए। कम ऑन। ओह माय गॉड, ये जहाज कहाँ गया? अभी तो यही था यार। इसका मतलब धनराज ने सही कहा था, ये भूतिया शिप है गाइस। लेट्स गो। रुको, ओ कम ऑन, उसकी बात को गोली मारो सानिया। मेरे ख्याल से ये जहाज ना उस धुंध के पीछे छुप गया और यहाँ पर ये बोट भी है, हम इसमें बैठ के उसका पीछा करते। कम ऑन। अरे धीरे से, दिमाग खराब हो गया क्या? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, तेरा नहीं। इसलिए कह रहा हूँ जिसको चलना है चलो, जिसको नहीं चलना है मत चलो। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है योर ऑनर। भूतिया जहाज जो पहले दिखाई देता है फिर गायब भी हो जाता है। मिस्टर पाठक बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे आपका इस केस को जीतने की उम्मीद भी गायब होती नजर आ रही है। योर ऑनर, मैं अदालत से आग्रह करूंगा कि सर्वप्रथम धीरज की पूरी बात सुन ले। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ तो धीरज जी, आप बोट का पीछा करने लगे,
फिर क्या हुआ? गाइस, आज मैं हम सोने तक पहुंच कर ही रहेंगे। एंड डोंट वरी, तुम दोनों को भी बराबर का हिस्सा दूंगा। अरे शिव कर गई। Oh my God, ये शिव कर गई। अबे यहाँ कैसे आ गई? शायद हम आगे आ गए। चलो टर्न द बोट। यार ये जहाज यहाँ से वहाँ कैसे ट्रैवल कर जाता होगा? दिनेश, मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। प्लीज 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 बोट किनारे पे लो। ओ कम ऑन सानिया, सोना सामने दिख रहा हो, तुम्हें किनारे पे जाने की पड़ी है। सानिया इस बार ये बोट यही रहने वाली है। देखो हम करीब है, जोर से चलाओ यार प्रफुल्ल। My God! Wow! हम पहुंच गए गाइस। ये देखो आ गया अपना खजाना। चलो अंदर चलते। Oh, come on, guys. हम इसी खजाने के लिए तो यहां तक आए थे। This is the biggest adventure of our life. Come on. तू तो फट्टू का फट्टू ही रहेगा। अंकिता के सामने बस स्टाइल मार रहा था, अभी ऊपर आने का टाइम आया तो फट गई तेरी। चल चल, फट्टी किसकी है? चलो सानिया। ये हुई ना बात। Come, brother. Wow. Beautiful, man. सिर्फ रस्सी है सानिया, come on. ये लाइट क्यों ऑफ हो गई? मेरे को लगता है कि यहाँ पे कोई है। कोई होगा तो मिल लेंगे सानिया, आप चलो। Come on. Come on. वायलिन की आवाज कहां से आ रही है? ओकी, तो उस घोस्ट शिप से वायलिन की आवाज भी आने लगी। गेटिंग मोर इंटरेस्टिंग। फिर क्या हुआ? फिर हम उस साउंड की तरफ बढ़ने लगे। यहां तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये तो रहा वायलिन। ये यहाँ पे तो इसे बजा कौन रहा था? मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे भूत है। हाँ यार। अरे सानिया, सानिया क्या हुआ? सानिया क्या हुआ? बस। अरे सानिया, ये कोई मोटर बोट की आवाज है, मैं देखता हूँ। मोटर बोट? ये खजाना छुपा गया है यार। आओ। ये सोना गया कहाँ है यार? इसमें है क्या? Where is the gold? इसमें ये तो और भी गंदा है। यार ये खजाना गया तो गया कहाँ? इसमें अबे अबे उठ जा। कोई खजाना वजाना मिला या नहीं? नहीं, वो मैं ढूंढ ही रहा था कि ये क्या है यार? ये कौन है? धीरज, कम ऑन सानिया, जंप जंप।
सानिया को लेकर मैं बोट की तरफ भागा। मैंने किसी तरह से बोट स्टार्ट की और हम दोनों वहां से भाग निकले। हाँ, हम दोनों की जान तो बच गई पर प्रफुल्ल अपनी जान नहीं बचा पाए। क्योंकि माय लॉर्ड उसे तैरना नहीं आता था। झूठ, सरासर झूठ। कोई घोस्ट शिप या कोई पायरेट जैसे कोई बात नहीं होती है। ये बरगला रहा हुजूर। नहीं और ना, मैं बेकसूर हूं। आप सानिया से पूछ लीजिए, वो सब जानती है, वो मेरे साथ ही थी। सानिया तुम बताती क्यों नहीं इनको? धीरज जो कह रहा है वो सही है क्या? उस रात आपने एक रहस्यमय जहाज को देखा था? मैंने ऐसी किसी जहाज को नहीं देखा था। ये झूठ बोल रही है मेरा। सानिया तुम क्या कह रही हो? हम तीनों साथ ही में तो गए थे उस जहाज में, मैं, तुम और प्रफुल्ल, याद है? तुम ऐसे कैसे झूठ बोल सकती हो? ये झूठ बोल रही है मिलोर्ड। ऐसा कुछ नहीं था। तो उस रात आपने क्या क्या देखा था, अदालत को साफ साफ बताइए। एंटनी और अंकिता के जाने के बाद मैं, धीरज, प्रफुल्ल, हम अकेले थे। गाइस, 2 घंटे से ऊपर हो चुका है। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई शिप पे पाने वाले हो। नहीं सानी, जहाज है तो इसी समंदर में, हमें बस उस बोट को लेकर उसे फॉलो करना होगा। सॉरी गाइस, मुझे बोट पे चढ़ने से डर लगता है। सो आई शो ओके, तुम यहीं रुको एंड वेट फॉर अस। चल। और मैं वहां पे दोनों का वेट कर रही थी और लगभग आधे घंटे के बाद धीरज तो आया पर अकेला। क्या हुआ, प्रफुल्ल कहाँ है? वो पानी में गिर गया। ये झूठ बोल रही है मिलॉर्ड, बहुत बड़ा झूठ बोल रही है। ये मेरे साथ उस जहाज पर चली थी और इसने प्रफुल्ल को उस जहाज से गिरते हुए देखा था मिलॉर्ड। पाठक साहब, जरा अपने क्लाइंट को बताइए कि अदालत ये भूत प्रेत की बातों पे विश्वास नहीं करती है। और फिर सानिया कह रही है तो? योर ऑनर, सानिया झूठ बोल रही है या सच, इसकी पुष्टि मैं करना चाहूंगा बॉबी जी को बुलाकर। बॉबी जी की दुकान योर ऑनर उसी समुद्र तट पर है। अनुमति है बॉबी जी? जिस रात की बात यहाँ हो रही है, क्या उस रात को आपने सानिया जी को वहाँ समुद्र तट पर देखा था? जी नहीं, इनफैक्ट मैं रात के 12 बजे अपनी दुकान बंद करके वहाँ से चला गया था। तो आपने उस रात या आपके दुकान के किसी कर्मचारी ने वहाँ जो वर्णन हो रहा है, यहाँ जहाज या वो समुद्री डाकू, ऐसा कुछ, ऐसा कोई देखा था? जी नहीं, जब तक मैं वहां था तब तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। कोई वहां होगा तो दिखाई देगा ना बॉबी जी, कोई भूतिया जहाज वाज नहीं था। मोटर बोट से धक्का दिया गया था और वो धक्का दिया था धीरज ने। धीरज नहीं सर, जब उस घोस्ट पायरेट ने प्रफुल्ल पर अटैक किया था तभी उसका बैलेंस खो गया था और वो जहाज से नीचे गिर गया था पानी में। बंद करो ये फालतू की बातें, ये अदालत कोई मजाक नहीं, समझे? बॉबी जी, उस रात के पहले कभी भी क्या ऐसा कोई जहाज या ऐसा कोई व्यक्ति, समुद्री डाकू, आपने आपके किसी साथी ने देखा था? जी मैंने तो आज तक ऐसा वहाँ कुछ नहीं देखा है, मगर ऐसा भी है कि हमारे इलाके में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ऐसा कुछ देखा है। वो कहते हैं कि फुल मून नाइट यानी कि पूर्णमासी की रात को अचानक वहाँ पर एक शिप दिखती है जो अचानक से गायब भी हो जाती है। अब ये कितनी सही है कितनी गलत है या ऐसी कितनी कहानियाँ है, ये तो जितने लोग उतनी बातें सर। ये मतलब कैसी कैसी कहानियाँ? कहा जाता है कि आज के करीब 100 साल पहले पुर्तगाल से डाकू आए थे एक जहाज में मुंबई, हमारे देश का सोना लूटने, और फिर वो सोना लूट के जहाज पे सवार हुए रवाना होने के लिए। तभी हमारी सेना ने उन पे हमला किया जिसमें कई डाकू घायल हो गए, कई मर गए, फिर भी वो जहाज से फरार होने में कामयाब रहे। और ऐसा भी कहा जाता है योर ऑनर कि सही वक्त पर इलाज ना मिलने के कारण वो डाकू शिप में ही मर गए और वो शिप आज तक समुद्र में भटकता है 100 साल बाद तक। वाह बॉबी जी, भाई 100 साल तो उम्र उनकी भी नहीं होती जो जहाज बनाते हैं। ये सब बेबुनियाद बातें, भूत प्रेत की बातें, बच्चों को डराने के लिए सही है, समझे? योर ऑनर,
अब हमें मेन मुद्दे पे आ जाना चाहिए। मैं इस केस से जुड़ी बेहद जरूरी जानकारी देना चाहता हूँ आपको। ये पहली दफा नहीं है जबकि धीरज ने प्रफुल को मारने की कोशिश की हो। इसके पहले भी इसने कोशिश की थी, लेकिन उस समय एंथनी नाम के एक व्यक्ति ने उसे बचाया था। एंथनी, बताओ क्या हुआ था? योर ऑनर, 2 महीने पहले की बात है। पैसा ले, तेरे को कितनी बार समझाऊं कि अंकिता से नहीं मिलने का? समझ में नहीं आता तेरे को कि वो मेरी है? ख्वाब देखते रहे। ओके, शी इज ओनली माइन। शी इज योर्स। जान ले लूंगा तेरी, काट डालूंगा तेरे को, समझाना? स्टॉप यार, ये फ्रेंड्स फ्रेंड्स है तो बोल उसको फ्रेंड्स की तरह रहने को। ओ लव ट्रायंगल योर ऑनर, पाठक साहब की भाषा में कहें तो प्रेम त्रिकोण, मतलब एक लड़की उसके 2 दीवाने। योर ऑनर, उस लड़की का नाम है अंकिता ग्रेवाल। मैं उसे विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है? ये सच है, धीरज प्रफुल से इसे जलता था क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी, इसलिए उस रात प्लान के तहत इसे प्रफुल को मार डाला। आपके इस बात का कोई प्रमाण है? हाँ हाँ, प्रमाण है, बिल्कुल है, अभी दिखाता हूँ आपको। योर ऑनर, ये है प्रफुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की जांच करने में पता लगा कि डेड बॉडी पे जो नाखून के निशान थे वो थे धीरज के। नहीं योर ऑनर, मेरा यकीन करिए, मैंने प्रफुल पर अटैक नहीं किया। फिर तुम्हारे नाखूनों के निशान उसके कंधों पर कैसे आए? मुझे नहीं पता। हाँ, हमारी थोड़ी सी झड़प हुई थी। तू दिखाएगा मुझे? तो शायद उस वक्त लग गया, पर मैंने उसकी जान नहीं ली है सर। मैं भी उस वक्त वहीं थी और मैंने इन दोनों को अलग किया था। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये उंगलियों के निशान तब के होंगे जब धीरज ने प्रफुल को बोट में धक्का दिया था। गो जाए। क्या कर रहा है यार? धीरज, धीरज! नहीं सर, मैंने प्रफुल को धक्का नहीं दिया, प्रफुल को उस भूतिया पायरेट ने धक्का दिया जो उस जहाज में था। अरे बस करो यार, सुबह से एक ही रट्टा लगा रखा है, घोस्ट ट्रिप पायरेट क्या है ये? सॉरी पाठक साहब, मुझे लगता है आपके क्लाइंट की दिमागी हालत सही नहीं है। योर ऑनर, मैं आप सबको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं सच बोल रहा हूं? झूठ, सरासर झूठ। तुम झूठ बोल रहे हो थोक के भाव में। योर ऑनर, मैं एक और विटनेस लाना चाहूंगा, लाइट हाउस गार्ड है धनराज सिंह। इजाजत है? धनराज जी, आप इस केस के बारे में जो भी जानते हैं बिना किसी डर के इस अदालत को बताइए। जय साहब, जिस रात ये घटना घटी थी उससे एक दिन पहले धीरज मेरे पास आया था। अरे भाई साहब, इसको छोड़िए, ये पकड़िए बोतल, पकड़िए पकड़िए, और ये 2000 रुपए फ्री। बस आपको मेरे दोस्तों को वो शिप वाली कहानी कल रात को दोबारा सुनानी है। और मैंने ऐसा ही किया। तो इसका मतलब धीरज ने पैसे और दारू का लालच देकर भूतों की मनगढ़ंत कहानियां अपने दोस्तों को सुनवाई। योर ऑनर, अब यह केस क्रिस्टल क्लियर है। धीरज को प्रफुल से जेलसी थी, पहले भी एक बार इसने मारने की कोशिश की थी, और उस रात इसने फिर से एक साजिश रची, सभी दोस्तों को बीच पार्टी के लिए बुलाया और प्लान के मुताबिक धनराज ने सभी को अपनी मनगढ़ंत भूतिया कहानी सुनाई। मेरे से पहले भी बहुत से लोगों ने उस भूतिया जहाज को यहाँ देखा है। उस भूतिया जहाज पर एक सोने का खजाना छुपा हुआ है। धीरज ने प्रफुल को बीच पे ही रुकने के लिए उकसाया। एक काम करो, अपने बॉयफ्रेंड को 4-5 चूड़ियां भी पहना दो, इट विल सूट हिम। व्हाट नॉनसेंस! अबे मर्द के नाम पे ना कलंक है तू। भी बताता हूँ इसे, अगर अपने आप को इतना ही बड़ा मर्द समझता है ना, तो आज रात को यहाँ रुक के दिखा जैसे मैं रुक रहा हूँ। और जैसा कि सानिया ने बताया कि भूतिया जहाज दिखाने के बहाने धीरज प्रफुल को मोटर बोट पे समंदर में ले गया और वहां जाके धक्का दे दी। गो जाए। धीरज, धीरज! योर ऑनर, धीरज अच्छी तरह जानता था कि प्रफुल को तैरना नहीं आता है और वो डूब के मर गया। नहीं योर ऑनर, मैंने उसे धक्का नहीं मारा, उस भूतिया पायरेट ने उसे धक्का मारा जो उस जहाज में था। योर ऑनर, सारा सच धनराज बता चुका है। क्या ये बात सत्य है धीरज?
तुमने धनराज को रुपए का लालच दिया ताकि वो अदालत में झूठ बोले? हाँ सर। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। क्यों किया तुमने ऐसा? सर सच ये है कि मैं अंकिता पर इंप्रेशन जमाना चाह रहा था, उसे इंप्रेस करना चाह रहा था। मैं उसे ये बताना चाहता था कि जो प्रफुल्ल है वो कितना बड़ा लूजर है, कितना बड़ा डरपोक है। इसलिए मैंने बस प्रफुल्ल को बीच पे रुकने के लिए कहा, और अनएक्सपेक्टेडली सरप्राइजिंगली वो उस दिन रुकने को रेडी हो गया सर। और हाँ, धनराज को मैंने झूठ बोलने के लिए पैसे ऑफर नहीं किए थे, मैंने उसे वही कहानी दोहराने के लिए कहा था जो कहानी वो मुझे पहले ही सुना चुका था। योर ऑनर, धीरज एक बार फिर से अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसे प्रफुल्ल का कातिल करार देकर इसे सख्त से सख्त सजा सुनाएं। रुकिए प्रोसिक्यूटर साहब, इतनी शीघ्रता क्या है? यही कहानी जब बॉबी ने वहां कटघरे में सुनाई, बॉबी को तो कोई लालच नहीं दिया था धीरज ने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं धनराज जी, इतना तो तय है कि धीरज ने आपको मदिरा और रुपयों का लालच दिया था दोस्तों को ये कहानी सुनाने के लिए, लेकिन ये जो कहानी आपने सुनाई इसके बारे में आपकी निजी राय क्या है, मैं वो जानना चाहता हूँ। साहब ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। भूतिया जहाज को किसने नहीं देखा? ये सच है कि मैंने पैसे जरूर लिए थे उन लोगों को कहानी सुनाने के लिए, लेकिन ये कहानी बिल्कुल सच है साहब। आप मछुआरों के गाँव में किसी से भी पूछ सकते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। तो क्या आप तुमने कभी स्वयं देखा? हाँ साहब, मैंने देखा है पूर्णमासी की रात को। इतना बड़ा जहाज, मेरे साथ एक गार्ड भी काम करता था रामदीप, आजकल उसका ट्रांसफर बंगाल हुआ है। एक रात वो अपनी ड्यूटी से लौटते समय उसने उस भूतिया जहाज को देखा था। योर ऑनर, जो आदमी शराब और पैसे के लालच में कुछ भी कर सकता है, हमारे केडी साहब कह रहे हैं कि उसकी बात पे भरोसा कर लें। मुझे लगता है केडी साहब अदालत को भटका रहे हैं। योर ऑनर, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। ये जो कहानी है ये धीरज ने भी कही, बॉबी ने भी कही, और अब धनराज भी कह रहा है। योर ऑनर, ये धनराज और ये धीरज ये दोनों आपस में मिले हुए। प्रोसिक्यूटर साहब, यदि ये दोनों मिले हुए होते तो धनराज अदालत में खड़े होकर कभी ये नहीं मानता कि धीरज ने उसे रुपयों का लालच दिया। योर ऑनर, जो भी हो, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक इस रहस्यमय जहाज और इस रहस्यमय समुद्री डाकू के रहस्य से पर्दा नहीं उठ जाता, तब तक इस केस में किसी भी परिणाम तक पहुंचना असंभव है। सबके कथन में हमने सुना कि ये जहाज पूर्णमासी की रात को दिखता है। आज पूर्णिमा है योर ऑनर, मुझे लगता है कि हमें जाकर इस बात का खुलासा करना चाहिए। ओहो, तो मिस्टर पाठक पूरी अदालत को लेके वहां बीच पे रात भर कैंप लगाएंगे, राइट? जैसा वो प्रोफेसर लाहिड़ी के केस में हुआ था, याद है ना केडी साहब, वहां गोली चलाने की नौबत आ गई थी। योर ऑनर, इस केस का, इस मुकदमे का आधार ही वो रहस्यमय जहाज और वो समुद्री डाकू है। जैसे कि मैंने कहा, आज पूर्णमासी की रात है योर ऑनर, सत्य के लिए, सत्य जानने के लिए, और इस केस के रहस्य को भेदने के लिए योर ऑनर, मैं निवेदन करता हूं अदालत से कि मुझे अवसर दिया जाए कि मैं अपने सहायकों को वहां आज रात भेजूं और रहस्य क्या है इसका पता लगाने का प्रयास करूं। योर ऑनर, ये अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। द केस इज एडजर्न फॉर द डे। क्या नाम है तुम्हारा? चंदू। चंदू, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे बता कि तूने ऐसा कोई शिप देखा यहाँ पर जो अचानक से दिखता है और फिर गायब हो जाता है? अरे क्या भाई, बच्चे से सवाल पूछ रहे हो? वो भी ऐसे बच्चे से जिसको पता नहीं उसकी पैंट कहाँ शुरू होती कहाँ खत्म। और भाई मैं आपको भी कहूँगा,
घर जाके आराम कीजिए, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे? एक्चुअली आराम करने का टाइम नहीं हमारे पास, केडी सर का ऑर्डर है, मैं पूरी रात यहीं रहूँगा। वो भी ठीक है भाई, ऑर्डर इज ऑर्डर। अब देखिए हमें तो इतने साल में कुछ दिखा नहीं, आप कुछ दिखे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा सर। गुड नाइट। गुड नाइट। चल चल जल्दी। खत्म होने वाली है लेकिन शिव अभी तक नींद नहीं है, और इंतजार करता हूँ। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। मिस्टर पाठक, उस जहाज को लेकर कुछ क्लेरिफिकेशन हुआ? हेलो पाठक साहब, आपको दृष्टि दोष तो नहीं है? जज साहब इधर बैठे हैं। दिख रहा है मुझे, मुझे वो भी दिख रहा है जो आपको नहीं दिख रहा। योर ऑनर, सर्वप्रथम मैं सानिया जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है? सानिया जी, पिछली सुनवाई में आपने कहा था कि आप प्रफुल्ल और धीरज के साथ उस नाव पर नहीं गई थी क्योंकि नाव पर चढ़ने से आप भयभीत हो जाती हैं, भय लगता है आपको बोट राइड से, सत्य है? जी हाँ, नहीं की। अभी योर ऑनर, ये कुछ चित्र है। योर ऑनर, ये चित्र सानिया जी के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट से उतारे गए हैं। इन्हें देखकर स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि सानिया जी बड़े उल्लास के साथ बोट राइड का आनंद उठा रही हैं। इसका अर्थ ये होता है कि आपने पिछली सुनवाई में जो कहा वो झूठ था। वो क्या? कोर्ट में सीधे तौर पर जवाब दो। वो एक्चुअली मैंने झूठ बोला था लास्ट टाइम। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। अर्थात आप उस रात प्रफुल्ल और धीरज के साथ उस नाव पर सवार होकर गई थी, आपने भी उस जहाज को देखा? देखा जी। और उस समुद्री डाकू को भी देखा होगा जी। तो फिर क्या क्या है, झूठ क्यों बोला आपने, सत्य क्या है बताइए? धीरज ने जितनी भी बात कही है वो सारी सच है। और जब प्रफुल्ल शिप पे से गिरा था तब मैं वहीं थी। तो फिर पहले तुमने झूठ कहा था? मैं आगे बढ़िए। मैं धीरज को चाहती थी, धीरज के कहने पे ही मैं उस रात बीच पर रुक गई थी। और जब हम शिप के पायलट से जान बचाकर मोटर बोट की तरफ भाग रहे थे, इट्स अनबिलीवेबल यार, खजाने की लालच में ये नहीं सोचा था कि दोस्त की जान चली जाएगी। पर धीरज, मैं यहाँ पे कुछ और ही पाने आई थी। मुझे नहीं पता कि ये सही वक्त है या नहीं, पर धीरज, आई लव यू, सीरियसली आई लव यू। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ यहाँ पे वक्त बिताने के लिए आई थी। आई लव यू। अरे तुम क्या पागल हो गई? देखो मैं सिर्फ और सिर्फ अंकिता को चाहता हूँ, और तुमसे प्यार करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। सो जस्ट रिलैक्स, वी आर फ्रेंड्स राइट? इडियट। और तभी मैंने फैसला किया,
अपने प्यार के इंसल्ट का बदला लेकर रहूंगी मैं। इसीलिए धीरज को फंसाने के लिए मैंने लास्ट टाइम झूठ बोला था कोर्ट में। योर ऑनर, अब ये बात प्रमाणित हो गई है कि जो मेरे मुवक्किल धीरज ने कहा था वो सत्य था और प्रफुल की हत्या इन्होंने नहीं की। तो फिर हत्यारा कौन है पाठक साहब? पाठक साहब बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हैं? आप क्या चाहते हैं, अदालत ये मान ले कि कातिल एक भूत है और ये केस क्लोज कर दे? नहीं, ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। योर ऑनर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा अदालत को। एंथनी जो उस रात सबसे पहले चौपाटी से निकला था, उसे कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है? एंथनी, आपने अपने मित्रों से कहा था कि यार सॉरी पर मेरी मॉम घर पे अकेली है, सो आई हैव टू गो। और मैं तुम लोगों से भी कहूंगा कि मुझे मत समझा, हम लोगों का प्लान हम लोग खुद डिसाइड कर लेंगे। तू जा, ऑल द बेस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय गाइस, बाय बाय बाय, सी यू, बाय। किंतु मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार उस रात आपकी माताजी घर पर अकेली नहीं थी, आपके पिताजी भी थे साथ में। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप घर गए ही नहीं, वहीं पर छिपे हुए थे? क्योंकि इस भूतिया जहाज की कहानी तो आपने सुनी ही थी, खजाने की कहानी, और खजाने का लोभ उठा होगा आपके मन में। आपने उस पायरेट का वो भूतिया डाकू की पोशाक पहनी, उसकी वेशभूषा में आप उस जहाज पर पहुंचे और खजाना स्वयं प्राप्त करना चाहते थे अपने लिए। इसलिए भयभीत करके अपने मित्रों को वहां से भगाने का प्रयास किया, किंतु फिर प्रफुल्ल की मृत्यु हो गई और आपकी योजना सफल नहीं हो पाई। नहीं योर ऑनर, मैं वहां सीधा घर ही गया था, पर वहां जाके पता चला कि पापा जी शाम को ही कोलकाता से लौट आए थे। आई स्वेयर मैंने प्रफुल्ल का खून नहीं किया। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडीसी से बात करना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। पाठक साहब, ये क्या टाइम पास चल रहा है? अरे आपको कैसे पता मैं टाइम पास कर रहा था, लेकिन अब नहीं करूंगा। योर ऑनर, हत्यारा कौन है इसका अंदेशा तो मुझे पहले ही था, पर हत्यारे के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य और साक्षी नहीं थे योर ऑनर। किंतु अब है, आपकी अनुमति से मैं अपने सहायक वरुण को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति है योर ऑनर। रात भर समुद्र तट पर बिताने के बाद जब वरुण आज सवेरे मेरे कार्यालय आया तो मैंने उस जगह की कुछ फोटोग्राफ्स खींची अपने मोबाइल फोन से, आप देख लीजिए। ये दूरबीन किसकी है? हो सकता है दूरबीन बॉबी की हो, क्योंकि ये फोटोग्राफ बॉबी की दुकान की है। और कोई सुराग, किसी के होने की आठ? सर मोटरबोट का इंजन इतना आवाज कर रहा था कि कुछ सुनाई नहीं दिया। आपको स्मरण होगा कि धीरज ने भी ऐसा ही कुछ कहा था कि जब ये खोज करने उस भूतिया जहाज पर गए। सानिया, क्या हुआ सानिया? सान, सानिया क्या हुआ? अरे सानिया, ये कोई मोटरबोट की आवाज हो। अर्थात उस रात भी असल हत्यारा ऐसी ही मोटरबोट से आया था। अब ये मोटर इंजन के लॉजिक से क्या प्रूफ करना चाहते हैं पाठक साहब? उचित प्रश्न कर रहे हैं प्रोसिक्यूटर साहब। इसी कारण मैंने वरुण को एक बार सवेरे फिर वहां भेजा। इन्हें आने में देर हो गई और उन्होंने इन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा था। वरुण, बताओ न्यायाधीश महोदय को क्या पाया तुमने? योर ऑनर, मैंने बीच पे जाकर जब इंक्वायरी की तब मुझे पता चला कि वो लाउड नॉइस करने वाली मोटरबोट बॉबी की है। योर ऑनर, मेरे कई बोट्स हैं, उनमें से शायद कोई उसे लेकर गया होगा वहां पर। अरे विचित्र बात कर रहे हैं आप, बोट आपकी कोई कैसे लेके जा सकता है? आप ही लेकर गए थे। योर ऑनर, इस बात का प्रमाण मेरे सहायक वरुण के मोबाइल फोन पर है, आपकी अनुमति हो तो इसे कनेक्ट करके चला दूं। अनुमति है। योर ऑनर, वरुण बॉबी साहब के दुकान पर गया,
और ये स्टोर रूम से मिला है रोनर। पुराने जमाने का पुर्तगाली पहनावा। रोनर, ये बिल्कुल वैसा ही गेटअप और वैसा ही कॉस्ट्यूम है जैसा उस पायरेट का। पायरेट ने नहीं बॉबी साहब, आपने। अब देखिए, पूरी रथा तो मैं बता ही चुका हूं, आगे का समापन आप कर देंगे तो अच्छा रहेगा। योर ऑनर, यहां तक नौबत आ जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। मैं तो बस थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में। एक्स्ट्रा इनकम के लिए? तो क्या करते थे आप उस एक्स्ट्रा इनकम के लिए? स्मगलिंग। अच्छा, तो ये जो रहस्यमय जहाज था, ये वास्तविकता में था नहीं, पुलिस से बचने के लिए आप तस्करी करते हुए ना पकड़े जाएं, इस कारण से आपने ये अफवाह, ये मनगढ़ंत कहानी फैलाई थी। ये कहानी तो सदियों से चली आ रही है मिस्टर पाठक, मैं तो सिर्फ इस कहानी की आड़ में अपना बिजनेस चला रहा था। चलिए बॉबी जी, मान लिया कि आप स्मगलिंग का धंधा करते थे, लेकिन ये भूतिया जहाज का गायब होना मिस्टर इंडिया की तरह, वो तो आप नहीं कर सकते ना? उचित प्रश्न है, उत्तर दीजिए। उसके पीछे भी एक राज है। राज? कैसा राज? बीच के दाईं तरफ थोड़ा दूर जाके एक छोटा सा आइलैंड है, उसमें एक गुफा है। अच्छा, तो आप गुफा से स्मगलिंग करते थे? जी नहीं, स्मगलिंग तो मैं शिप में ही किया करता था, मगर उसके बाद शिप को गुफा में छुपा दिया करता था। उस रात भी जब धीरज अपने दोस्तों के साथ मोटर बोट लेके शिप ढूंढने निकला, तो मुझे लगा कि वो गुफा के बहुत नजदीक पहुंच रहा है, कहीं वो गुफा तक पहुंच ना जाए, इसलिए उसको कंफ्यूज करने के लिए मैं शिप को बाहर लेकर आ गया। मगर मैंने देखा कि वो लोग गुफा के बहुत नजदीक पहुंच गए थे और अब तो शिप उनके एकदम सामने थी। इसलिए योर ऑनर, मैंने अपने आदमियों को कहा कि शिप की सारी लाइट्स ऑफ कर दो और स्मगलिंग का सारा सामान लेके नीचे तहखाने में छुप जाओ। और फिर मैंने धीरज और उसके दोस्तों को शिप में एंट्री लेते हुए देख लिया और उन्हें डराने के मकसद से अपनी अपनी वेशभूषा चेंज करके मगर डर के मारे प्रफुल्ल पानी में गिर गया। जैसा मेरा मकसद उसको मारने का बिल्कुल नहीं था, मैं तो सिर्फ चाहता था कि वो लोग डर जाएं और डर के वहां से भाग जाएं। ये आपका ये राज राज ही रहे, किंतु आपका दुर्भाग्य और हमारा सौभाग्य योर ऑनर कि सत्य अब बाहर आ चुका है। द डिफेंस प्रेस, तमाम गवाहों की गवाही और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि धीरज खेतान को प्रफुल्ल मेहता के कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है और साथ ही साथ बॉबी सलूजा को हिरासत में लेने का हुक्म देती है। यही नहीं, बॉबी सलूजा के साथ उनके स्मगलिंग के रैकेट में जुड़े सभी लोगों को हिरासत में लेकर उन पर मुकदमा चलाने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड। आपको भी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।